ಬಿಡಿ ಇವಾಗ ಆಗ ಬೇಡ ಬಾತಾ ಇರ್ ಬಂದು ಬಂದು ಬಾತಾ ಇದೆ ಬೋಲೋಣ ಬಿಡಿ ಈ ಸಾಲ ಪೂರ ಧನ ಬಿಡಾ ಇದೆ ನೀವು ಪೂರಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ನೀವು ರುಕ ರುಕ ಬಿಟ್ಟು ಜಲ ತಕ್ಕ ಕುಮಾರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ನೀವು ಜಲ ತಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಇರ್ಕೊಂಡು ಈ ಗಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಗುರು ಗುರು ಸರ್ ಆಪನೆ ಜಿಸ್ ತರಹ ಸೇ 30 ಸಾಲೋ ತಕ್ಕ ಹೀರಾ ಕಿಡಾಣಿ ಗಾಂವ್ ಕೆ ಅಂದರ ಅಪನಿ ಸೇವಾಯೆ ದಿ ಆಜ್ ವಿದಾಯಿ ಸಮಾರೋಹ ಹೈ ಬಡಾ ಭಾವುಕತಾ ಕಾ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಕ್ಯಾ ಕಹನಾ ಚಾಹೇಂಗೇ मैंने इस क्षेत्र में रह के बहुत प्यार प्रेम लिया है और सभी बच्चों में बहुत आज्ञाकारी रहे और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि ऐसे विद्यार्थी सभी शिक्षकों को मिलें और इन विद्यार्थियों का शिक्षकों के प्रति वही सम्मान बढ़े। एक एक गुरु और शिष्य के बीच का जो रिश्ता होता है बड़ा पवित्र होता है, बड़ा भावुकता का रिश्ता होता है। आज आपकी विदाई हो रही है और 30 सालों तक आपने इस धरा पे आपने सेवा दी, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं अपने संतान में और अपने विद्यार्थियों में कोई अंतर नहीं करता, जैसा मुझे अपने संतान के प्रति व्यवहार रखना चाहिए वैसा मैंने अपने बच्चों के प्रति भी रखा। यहाँ पे देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पे बच्चियाँ हैं बड़ी भावुक हो रही है और आप भी, मैंने देखा आपने संबोधन के दौरान भी आप भावुक हो गए थे। ये सरकारी प्रक्रिया है, इसमें आना जाना तो पड़ता ही है, जिसका जन्म हुआ है उसको एक दिन मरना भी पड़ता है। ये अटूट रिश्ता है शिक्षार्थी और शिक्षक का, ये कभी भी टूट नहीं सकता। मेरा अंतिम सवाल सर आपसे यही रहेगा, आप भावुक हो रहे हैं कि आप विशेषकर भरतपुर से आते हैं, मारवाड़ के इस क्षेत्र में आपने 30 साल गुजारे हैं, मारवाड़ के लोगों के लिए, मारवाड़ के बच्चों के लिए, यहाँ के विद्यार्थियों के लिए आपका कोई मैसेज? यहाँ के विद्यार्थी बहुत ही अनुशासित, आज्ञाकारी हैं और मेहनती भी हैं, केवल कमी है तो सरकार के नियम कायदों की है जो सरकार उपलब्ध नहीं कराती इस टाइम। बाकी बच्चे बहुत होनहार हैं, हर क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सर, आपको आपके उज्जवल भविष्य के बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। खैर दोस्तों, देखिए आप किस तरह से यहाँ पे ये जो बच्चियाँ हैं बड़ी भावुक हो रही हैं और समस्त यहाँ पे गांव के लोग पधारे हैं, बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पे लोग आए हैं। जो यहाँ पे जो ये पीटीआई जी है पहलाज सिंह जी, इन्होंने तकरीबन 30 साल तक हीरा की रानी गांव के अंदर अपनी सेवाएँ दी थी और आज ये विदा हो रहे हैं, तो ये जो बच्चे हैं बड़े भावुक हो रहे हैं, उसके साथ साथ जो ग्रामवासी है वो भी बड़े भावुक हो रहे हैं। सब रहियो, रोना नहीं है, रोना नहीं है, बात खत्म है। अरे पानी पाओ,